यार आप में से काफी लोगों ने तो फॉर्टनाइट गेम के बारे में सुना ही होगा, और भाई जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको मैं आज इस वीडियो में वो रीजंस बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं पता चला कि भाई ऐसी भी कोई गेम है। वैसे तो 99% गेमर्स को तो पता होगा कि भाई फॉर्टनाइट क्या चीज है, लेकिन भाई काफी लोग है जिनको नहीं पता, और वही रीजन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हाँ यार, फॉर्टनाइट भी एक बैटल रॉयल गेम है, ना कि पबजी की तरह, ना कि सीओडी की तरह, क्योंकि पबजी और सीओडी भाई रियलिस्टिक में आ जाती है, उसके कैरेक्टर्स भी थोड़े रियलिस्टिक टाइप लगते हैं, लेकिन भाई फॉर्टनाइट जो है एक कार्टूनिश गेम है और भाई एक फैंटेसी टाइप गेम है। हाँ, लेकिन इसमें एक्शन भी है और बाकी सब कुछ है जो भाई बाकी गेम्स में नहीं है, इसलिए भाई ये गेम 8GB की है। जी हाँ भाई, अगर आपको पता नहीं है तो ये गेम पूरी 8GB की है, और भाई काफ़ी भारी गेम है, इसमें काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट्स चाहिए डिवाइस की, ठीक है ना। तो मैंने ये गेम डाउनलोड की कुछ 2-3 दिन पहले, और मैंने इससे पहले फारलाइट खेली, जो कि ऐसी सेम टू सेम भी नहीं कह सकते, बट ग्राफिक्स का थोड़ा फर्क है भाई। इसके बहुत ऑसम ग्राफिक्स है, जिनको ऐसी गेम्स पसंद है, जिनको ऐसे कार्टूनिश टाइप गेम पसंद है, ऐसे फैंटेसी टाइप, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और सीरियस बोलूँ तो भाई मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए इसके ग्राफिक्स। मैंने देखना था कि भाई फारलाइट में और फॉर्टनाइट में क्या फ़र्क है, और फॉर्टनाइट इतना फेमस क्यों नहीं हुआ इंडिया में, जबकि बाकी सारी गेम्स जैसे पबजी, सीओडी, फ्री फायर या और भी काफ़ी गेम्स जैसे फॉल गाइज अभी आई थी, वो भी काफ़ी फेमस हुई इंडिया में, तो भाई ये क्यों नहीं हुई। तो यही रीज़न से मैं भाई ये गेम खेलने आया और देखा भाई, और जब मेरे को पता चला तो मैं हैरान हो गया, और मेरे को काफ़ी सारे रीजंस पता चले कि भाई ये क्यों फेमस नहीं है इंडिया में। तो यार जो सबसे पहला रीज़न मुझे लगा इस चीज़ का, वो ये था कि भाई इस गेम में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है भाई डिवाइस की, मतलब डिवाइस आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए तभी आपके डिवाइस में गेम चलेगी। और जो जिन बंदों के पास भाई 10 से 15 हज़ार का डिवाइस है, जैसे मेरे पास खुद 15-16 थाउजेंड का डिवाइस है, और इसमें भाई मेरे को हाई ग्राफिक्स मिलते हैं, मतलब 30 FPS मिलते हैं, तो भाई इस 30 FPS में भाई आप जब तक लेवल आगे आता रहेगा आपका, तो भाई आपको जब नए नए प्लेयर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे भाई 90 FPS से लेके आगे भी होते हैं प्लेयर्स जो अच्छे अच्छे FPS पे खेल रहे होते हैं, तो भाई वहाँ फिर फेयर गेम नहीं होती है। तो भाई एक रीज़न ये भी है कि भाई इंडिया में ज़्यादा प्लेयर्स के पास अच्छे डिवाइस नहीं होते, और भाई ये बहुत बुरा रीज़न है, क्योंकि भाई अब गेम को खुद ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि बाकी डिवाइसेस, ताकि भाई जो इतने पबजी वगैरह जो कंपटीशन में है सारी गेम्स, उनको टक्कर देने के लिए इनको भी थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देना चाहिए था। बट स्टिल इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स तो भाई होनी चाहिए हाई, क्योंकि भाई इतना सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इसमें, अगर आप एक बार खेलोगे ये गेम इतनी हाई ग्राफिक्स के साथ आपको ये मिलता है, तो भाई ये तो लगेगा ही कि भाई इतनी ज़्यादा GB की तो होगी ही गेम। तो भाई ये सबसे पहला रीज़न था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रीज़न के ऊपर। तो यार जो दूसरा रीज़न है वो काफ़ी बड़ा रीज़न है मेरी नज़र में, और वो ये है कि भाई अपने जो इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स थे, उन्होंने इस गेम पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। हाँ भाई, आप मेरे को बता दो कि कौन सा ऐसा क्रिएटर है जिसने भाई फॉर्टनाइट खेली, लेकिन भाई वो प्रमोशन वाली नहीं होनी चाहिए, मैं वो कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब भाई देखो, कंटेंट क्रिएटर्स और भाई ई स्पोर्ट्स प्लेयर में डिफरेंस होता है। ई स्पोर्ट्स प्लेयर वही गेम खेलेगा जो भाई उसमें उसका करियर है, मतलब उस गेम के ऊपर वो फोकस करेगा जो भाई ई स्पोर्ट्स में है, ठीक है। अब जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं भाई, उनको होता है हर एक गेम का कंटेंट क्रिएट करना, जैसे कि भाई बाहर की कंट्रीज़ में होता है, और इंडिया का मुझे पता नहीं, कुछ होंगे भाई, लेकिन भाई उनको इतना वैल्यू नहीं देते हैं लोग। यहाँ पे आप अगर कंटेंट क्रिएटर की बात करते हो तो वो सिर्फ पबजी खेलता होगा या कोई और गेम खेलता होगा। तो भाई अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई तूने क्यों नहीं ये वीडियोज़ बनाई, पहले क्यों नहीं तूने फॉर्टनाइट खेली, अभी तू क्यों बोल रहा है। तो भाई देखो, मेरे पास एक रीज़न है, मेरे पास डिवाइस नहीं है, और अगर मैं इसको रिकॉर्ड करता भी हूँ तो भाई मेरे FPS में काफ़ी फर्क नजर आता है। आपको भी अभी ये गेम लैगी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि भाई इसको मैंने थोड़ा सा टच दिया हुआ है। लेकिन भाई ऐसे काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके पास सब कुछ है डिवाइस वगैरह होकर भी वो ये गेम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका भी एक रीजन है कि भाई उनको व्यूज ही नहीं मिलेंगे अगर वो ये गेम खेलेंगे। व्यूज मिलेंगे, लेकिन भाई उनको चाहिए बहुत ज्यादा व्यूज, थोड़े भी उससे उनका काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए वो ये गेम नहीं खेल रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ भाई, मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। भाई देखो, जहाँ तक मेरा मानना है ना, गेम कंटेंट क्रिएटर नहीं बनाता है भाई, कंटेंट क्रिएटर गेम को आगे बढ़ाता है। जब पबजी आई थी, जब सीओडी आई थी, या आप जो गेम खेलते हो जब वो आई थी, आपको नहीं पता था कि भाई ये गेम आई है। आपने किसी ना किसी एक कंटेंट क्रिएटर को तो देखा होगा जो भाई ये गेम खेलता होगा, और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा वो देख के, तभी आपने वो गेम डाउनलोड की थी। सच बताना
भाई कमेंट्स में, अगर ये बात गलत है तो भाई मेरे को तब भी बता देना कि नहीं भाई मेरे को पहले ही पता चल गया था, आपने किसी ना किसी कंटेंट क्रिएटर को देख के ही ये चीज़ डाउनलोड की होगी, क्योंकि भाई हम जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनका काम ही होता है भाई गेम को आगे बढ़ाना, उसकी कम्युनिटी आगे बढ़ाना, ना कि गेम का काम होता है कि भाई गेमिंग कम्युनिटी को आगे बढ़ाना, ठीक है ना। तो ये कंटेंट क्रिएटर का काम होता है कि भाई कोई भी अगर नई गेम आती है तो अपने ऑडियंस को दिखाना, अगर वो उनको पसंद आती है तो भाई वो गेम खेलना, ठीक है, और फिर भाई अब वो अपने आप तो कम्युनिटी आगे बढ़ ही जाएगी, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि भाई किसी गेम को पहले, कोई गेम पहले से ही पॉपुलर होती है उसको पॉपुलर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर इस पे ज़्यादा ध्यान दिया होता तो आज ये भी काफ़ी अच्छी होती, और क्या पता भाई फोर्टनाइट ये कर देती कि वो भाई लो एंड डिवाइसेस के लिए भी कोई लाइट वर्जन निकाल देती। अब जो भाई अगला रीज़न है वो ये है कि भाई इसकी मैच मेकिंग बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि भाई जब मैंने स्टार्टिंग में गेम डाउनलोड की तो मुझे लगा था कि भाई इसमें बॉट प्लेयर्स आएंगे और पहला मैच तो मैं आराम से निकाल लूँगा, लेकिन भाई स्टार्टिंग का मैच ही मैं हार गया, क्योंकि भाई मेरे से आगे के लेवल के प्लेयर्स आ रहे थे। अब ये पता नहीं मेरे साथ हो रहा था या बाकियों के साथ हो रहा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा कि भाई प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे होते हैं, और जो स्टार्टिंग के प्लेयर्स आते हैं उनको भी कभी कभी उनके साथ मैच मेकिंग हो जाती है। तो भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैंने स्टार्टिंग में 5 मैच खेले और भाई 5 में से मैं एक मैच जीता, और भाई मैं खुश होकर उसको स्टेटस पे चढ़ा दिया कि भाई मैं जीत गया एक मैच, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न है कि भाई इसका मैच मेकिंग थोड़ा सा अजीब है। तो भाई अब लास्ट वाले रीज़न के ऊपर बात करते हैं, वो ये है कि भाई इसमें आपको स्किल के साथ साथ बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ गन्स ही नहीं चलानी है, आपको बिल्ड भी करना है। अब जहां जो मैं ये लकड़ियां वगैरह तोड़ रहा हूं, यहां जो दरवाजे वगैरह तोड़ रहा हूं, आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन में कि वहां पे एक ब्लॉक है जहां पे सारा मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, वुड, मेटल और भाई ब्रिक्स। तो ये सब मुझे आगे फाइट में काम आएगी। अब आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं, अगर आपने फायरलाइट देखा है मेरा गेम प्ले, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज्यादा है उन्होंने देखी होगी फायरलाइट, तो उसमें क्या होता है जब आपके ऊपर एनिमी कोई अचानक से रश कर देता है आप बूस्टर्स लगा के इधर उधर निकल सकते हो, उसी टाइम पे आप इसमें भी वैसी सेम चीज़ कर सकते हो, लेकिन बूस्टर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, आपको ब्रिक्स वगैरह या अपने वुडन वाले जो ये आपने कलेक्ट किया है मटेरियल, इससे आपको अपने आगे कवर्स बनाने होंगे, या आपको अगर निकलना होगा यहाँ से दूर तो आप कवर्स बना के निकल सकते हो, आप स्टेयर्स बना सकते हो, आप बड़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना भी पड़ेगा, और भाई आपको इस गेम को बहुत ज़्यादा खेलना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसमें माहिर हो सकते हो। इसके लिए एक अलग प्रैक्टिस का भी एक वो एरिया है जहाँ पे आप ये बिल्ड वगैरह कर सकते हो आप आराम से वहाँ पे, तो आपको वहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले ये चीज़ के लिए। तो ये भी एक रीज़न है कि काफ़ी बंदे इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहते, वो सीधा उतर के गोली पकड़ के और दूसरे बंदों को पेलना चाहते हैं, तो ये सब करना उनके लिए अच्छा नहीं लगता उनको, तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि भाई वो ये गेम खेलते नहीं हैं। तो अब भाई इतना सब देखने के बाद इतना तो पता चल गया कि भाई फायरलाइट में थोड़े कम ग्राफिक्स तो हैं, लेकिन भाई वो काफ़ी बंदे खेल सकते हैं, काफ़ी लो एंड वाले भी खेल सकते हैं, और मिड रेंज वाले भी खेल सकते हैं, और हाई रेंज वाले तो खेल ही सकते हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा होप है उस गेम की कि वो आगे निकल जाएगी शायद, क्योंकि अगर भाई अब वो ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है उस गेम को, काफ़ी कम जीबी की गेम थी स्टार्टिंग में तो, ठीक है ना। तो अब भाई आगे अपडेट आता है या ग्लोबल रिलीज़ होता है तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा, अब वो देखा जाएगा आगे। तो मैं यही देखने आया था कि भाई ऐसा इस गेम में क्या था जो भाई ये इतना आगे नहीं हुआ। अब जो भाई फोर्टनाइट खेलते हैं तो भाई अगर उनको बुरा लग रहा होगा तो भाई ये आप देख लो कि भाई ये सच बात है, ठीक है ना। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, तो अगर आपको बुरा लग रहा है तब भी तो सॉरी भाई, क्योंकि भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है, और आगे की वीडियो आती रहेगी तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।